जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के देवरिया गांव के पास कल देर शाम पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश मारा गया। एनकाउंटर के दौरान चली गोलियों के तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। मारे गए बदमाश के ऊपर लूट, हत्या, डकैती समेत एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। इस मुठभेड़ में एक सिपाही अजय सिंह भी घायल हुआ है। मारा गया बदमाश सरपताहा थाना क्षेत्र के छितमपट्टी गांव के रणजीत सिंह का पुत्र विनोद सिंह है। विनोद जौनपुर समेत पूर्वांचल के जिले को अपना कार्य क्षेत्र बनाकर लूट, हत्या और डकैती की घटनाओं को अंजाम देता था। देखिए आप भी हमारी खास रिपोर्ट नारद रिटर्न न्यूज पर। बदलापुर थाना क्षेत्र और स्वाट पुलिस टीम थी, जनपद में चेकिंग की जा रही थी। उस समय कुछ अपराधियों की सूचना मिली थी और पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तो ये पुलिस पर फायर करके फरार हुए। पुलिस टीम ने इनको चेज किया और इनके द्वारा की गई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है और जो काउंटर फायर किया गया उसमें एक अपराधी को गोली लगी और बाद में इसके पास जो पहचान पत्र प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर इसकी पहचान की गई है और विनोद के नाम से इसकी पहचान हुई है, जो थाना सरपथा क्षेत्र का रहने वाला है। इस पर ADG बनारस जो महोदय द्वारा 1 लाख रुपये का पुरस्कार घोषित है पूर्व में और इसके साथ ही इसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है 32 बोर की और एक ऑटोमेटिक कार्बाइन 9mm की बरामद हुई है और उसको फिर गोली लगने के पश्चात इलाज हेतु नज़दीकी चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां इसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया, यहां लाया गया। यहां पहुंचने के बाद थोड़ी देर बाद ही डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया है और अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की। सर किस तरह का अपराधी था ये पहले भी बताइए। इस पे करीब 2 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं जो हत्या, लूट और रंगदारी के हैं और इधर भी पिछले 1-2 दिनों में भी जनपद के कुछ डॉक्टरों द्वारा इसे रंगदारी मांगी गई थी, उसका मामला भी पंजीकृत किया गया। कितनी गोलियां लगी इसको? ये अभी पोस्टमार्टम करेंगे, डॉक्टर्स के पैनल से PM कराया जाएगा, उसके बाद स्थिति। इसके साथ कोई और भी था या अकेले थे? नहीं, ये 2 लोग थे जो प्रारंभिक तौर पर जो फरार करके गोली चला के भागे हैं। दूसरे के लिए पूरे क्षेत्र में जनपद थाना पुलिस और बाकी टीमें कॉम्बिंग कर रही है। इनाम किस जिले पे था सर इसका? जी इनाम किस जिले पे था इसके ऊपर? इसके ऊपर बारसी जोन द्वारा महोदय द्वारा किया गया था, अपने जनपद से भी पुरस्कार पहले किया गया था, फिर 50,000 IG महोदय के द्वारा किया गया था, इन संस्कृति के बाद ADG द्वारा। सक्रिय कहाँ था ये, किस जिले में ज्यादा सक्रिय? ये जनपद जौनपुर और आसपास के क्षेत्र में सक्रिय। सर एम्बुलेंस नहीं लाया गया, पुलिस गाड़ी से लाया गया, एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं थी क्या? भाई जब इनकाउंटर अचानक होता है तो जो गाड़ी मौजूद होती है उससे रिजल्ट को तत्काल गंभीर को पहुंचाना उद्देश्य होता है, न कि वहां फोन करके रूरल एरिया में वेट करें कि एम्बुलेंस पहले आएगी फिर ले जाएंगे। पहला होता है तत्काल उपचार कराया जाए और उसको देखते हुए तत्काल पुलिस ने जो मानवीयता के बिंदु है उसको दिखाते हुए इसको उसी हालत में तत्काल ले जाके जिला अस्पताल और बाकी हॉस्पिटल। सर पहले CST ले जाया गया होगा ना? थैंक यू सर।